दिल के कोने में किसी अनजानी एक राह पे मन ढूंढे है, मन ढूंढे है उसको। आँखों के वो सपने जब तक सच ना होंगे उठना ना, ये नन्ही सी दो जा है पर कहते हमको थकना ना। है सारी यादें कल की वो महफूज दिल के कोने में, वो छोटी सी दुनिया इनकी कब लौट आएगी। तरसे तरसे आंखें देखने को, तरसे तरसे बातें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत कॉमन है, हम सब जानते हैं, बट कभी कभी हम भूल जाते हैं, और वो है शुक्र। शुक्र करना बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल, जब दुनिया में जब कोई दुनियावी चीज़ हमारे लिए कर देता है, हम कितना शुक्र करते हैं उसका। सामने तो थैंक यू, उनका हाथ लेकर भी चूम लेते, गले लग जाते, खुशी से पागल हो जाते, कूद ही मारने लगते, चार लोगों को फोन करते कि यार ये मेरा काम हो गया। और साथ ही साथ कभी कभी जो हमारे लिए कुछ करता है उसको हम जुबानी तो कहते ही है, बट फिर उन्हें फोन पे हम कहते ही है, बट फिर हम उन्हें मैसेजेस लिखते हैं लंबे कि यू नो हाउ ग्रेटफुल आई एम फॉर यू टू डू दिस फलाना फलाना। उसके बाद हम और शुक्र जाहिर करने के लिए यू नो फ्लावर्स भेजते हैं लोगों को, स्वीट्स भेजते हैं, गिफ्ट्स भेजते हैं। हदिया भेजना वैसे भी बहुत अच्छी चीज है, हमें एक दूसरे की यू नो रिलेशन में मोहब्बत रखने के लिए हदिया भेजना बहुत जरूरी है, इररिस्पेक्टिव। बट यू नो जब शुक्र कोई चीज के लिए होती है, कोई हमारा काम हो जाता है तो हम कैसे शुक्र करते हैं, बस उसी तरह हमें लोगों का भी शुक्र हर चीज पे करना चाहिए। कभी किसी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए ठीक है हो गया तो क्या। हमें हर इंसान का शुक्र करना चाहिए, चाहे हम पैसे देके भी क्यों ना काम कराए, बट शुक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपके दिल को नरम रखता है, वो आपको सॉफ्ट रखता है, और वो आपको एक रिस्पेक्टफुल इंसान बनाता है, आपके दिल में मोहब्बत रखता है। और बिल्कुल उसी तरह, बल्कि उससे ज्यादा हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि यू नो उन्होंने हमें इतना कुछ नवाजा है, चाहे वो हमारी अच्छी फैमिली हो, घर हो, कपड़े हो, काम हो, और बहुत सारी चीजें। हम जिंदा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दो हाथ दो पैर है, और इंसान जो भी सिचुएशन में, कोई चीज ऊपर नीचे भी आपकी लाइफ में, आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, बिकॉज यू नो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे इंसान शुक्र पसंद करता है, बेशक अल्लाह भी पसंद करता है, और अल्लाह ने इंसान में ये शुक्र वाली चीज क्यों डाली है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इंसान हमेशा नरम रहे और इंसान के बीच में मोहब्बत रहे। इसलिए शुक्र करो, क्योंकि शुक्र भी एक अच्छे अखलाकों में से एक अखलाक है जो अल्लाह बहुत पसंद करता है। तो आप बस नमाज पढ़े, अल्लाह से शुक्र करें हर चीज का जो उसने आपको नवाजा है, अच्छे दोस्त, अच्छा घर, हर चीज अच्छी है जो अल्लाह ने दिया है हमें, हर चीज का हर हाल में अल्लाह से शुक्र करे, और अपने अखलाक अपने दोस्तों से अच्छा रखे। और जो आपके लिए जो भी करे, चाहे एक यू नो एक वॉचमैन भी अगर आपके लिए डोर कर देता, एक मुस्कुरा के उसे थैंक यू बोल दीजिए और वो इतना खुश हो जाएगा कि बस। तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें ये शुक्र का अखलाक हमारे अंदर डालना है, और लोगों की खूब मदद आना।